जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बसपा नहीं करेगी किसी पार्टी से गठबंधन। ईवीएम पर भी उठाए सवाल। अपने जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है, जहां उन्होंने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करने और अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारा खेल ईवीएम की गड़बड़ी का है। इस दौरान उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा मनुस्मृति और रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर कहा कि मनुस्मृति बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं चलाई है। हालांकि मंत्री ने यह बात किस परिप्रेक्ष्य में कही इसका उन्हें पता नहीं है। साथ ही मायावती ने योगी सरकार पर भी तंज कसा और कहा कि ग्लोबल समिट के नाम पर जो निवेश आ रहा है वह केवल भाजपा की खराब नीतियों पर पर्दा डालने की नाटकबाजी है। मायावती द्वारा जन्मदिन पर खुले मंच से यह ऐलान करना कहीं न कहीं 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता पर सवाल है। अब देखने वाली बात यह है कि मायावती अपने इस बयान पर कब तक कायम रहती है। बने रहिए हमारे साथ तमाम ब्रेकिंग अपडेट से जुड़े रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।